तो गाइस हमने सब्जियां ले रखी है, सब्जी में वही है फूल गोभी की सब्जी और उसमें साग भी ऐड कर दिया। आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब पे आपने। तो हमने कैसे इसको तैयार किया, रोटियां कैसे बेली, गोलियां कड़क सभी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर। चलिए सो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो का एंजॉय करो। चलिए देखो ये भाई साहब खाना रेडी कर चुके हैं। क्यों सब्जी हमारी शुरू हो जाती है? वो सब्जी क्या करेगा? हाँ रईस खेल टेस्ट कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग। अभी मैंने जिंदगी में इतना अच्छा बनाया नहीं था सर जैसा आज बना, क्योंकि मैंने साग भी ऐड कर दिया था ना सुबह का बचा हुआ। और तो और सिंपल सी मतलब मसाले मैंने डाले थे, भी सब्जी लाजवाब। इसमें यदि प्याज धनिया पत्ता और लहसुन वगैरह मिला देता ना तो इसकी जो रौनक आ जाती है, मगर उससे भी नाइस बना। जैसे भैया हाथों का जादू है। कल खेले ली सब्जियां? कितने ला ली? अपनों से बेस बना ली? इतनी मोटी मोटी रोटियां बन चुकी है ना कि चार को में पेट भर जाए। कसम जी तेरा पेट तो नहीं भरेगा ना। कुछ भी हो सब्जी लाजवाब। हमने इसमें क्या क्या ऐड कर दिया मालूम है? फूलगोभी, और फूलगोभी का जो पत्ती रहता है ना, पत्ती पत्ती लीफ, उसका जो डटल रहता है डटल, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भर कर दिया, उसको भी इसमें डाल दिया। और जो फूलगोभी का जो साग रहता है उसको भी डाल दिया। और तो और मूली का भी साग जो बचा हुआ था सुबह में, जो बचा हुआ था उसमें इसमें भी ऐड कर दिया। खाने में कुछ अलग ही मजा आ रहा है।
तो पानी पी लेते। तो गाइस रोटी और सब्जी खा करके आनंद आ गया, काफी अच्छी सब्जी बनी हुई थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट और शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। सो बाय बाय।